नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस ज्योति की रसोई में। आज हम अपने रसोई में बनाने जा रहे हैं आलू की अमेजिंग सी तीन रेसिपी। और ये बच्चे हो या बड़े, ये रेसिपी दोनों को ही बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही मैं आपको आलू को स्पाइरल कट करने का एक नया तरीका बताऊंगी, जिससे आपको अपने आलू का स्पाइरल कट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी झटपट सी आलू की अमेजिंग सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आलू की रेसिपी बना रहे हैं तो इसके लिए आलू तो लेना ज़रूरी ही है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिए हैं और इसे अच्छे से धोकर छिलके साफ कर लिया है। अब हम अपने पोटैटो स्लाइसर को लेंगे और अपने सारे जो आलू हैं इस स्लाइसर में अच्छे से पतले पतले लेयर में कट कर देंगे। अगर आपके पास आलू स्लाइसर नहीं है तो आप चाकू की मदद से भी इसको पतला पतला कट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा आलू कट हो जाए तब हम इस आलू को पानी में डाल देंगे, जिससे कि जो हमारे आलू हैं वो काले ना पड़े। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा कि जो हमारे आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 5 मिनट बाद ही हमारे जो आलू हैं वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। हम अपने आलू के एक एक स्लाइस को लेंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए आलू का रोज बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड, ये खाने में टेस्टी तो है ही, लेकिन दोस्तों अगर हम अपने खाने को अच्छे से डेकोरेट करते हैं तो उसे देख कर ही जिसे भूख ना लगी हो वो भी खाना चाहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने आलूओं को एक रोज का शेप दिया है। इसके लिए हमें अपने आलू के स्लाइस को एक एक करके पकड़ते जाना है और इसे मोड़कर एक रोज़ का शेप दे देना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से जब आपके सारे आलू एक रोज शेप में बन जाए तब आप एक स्टिक की मदद से इसे सेव कर लें, ताकि जो हमारे आलू हैं वो बिखरे ना और इसका शेप बिल्कुल बरकरार रहे। इसी तरीके से आपको अपने सारे आलू के स्लाइसेस को रोज़ बनाकर तैयार करना है और इसे स्टिक से सेव करते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे आलू के स्लाइसेस को रोज़ के शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन्हीं आलू के स्लाइसेस में जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं, जिनका कि हम रोज़ नहीं बना सकते, उन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका हम एक नया शेप बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टिक ली है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने सारे आलू के स्लाइस ले रही हूँ और उसे एक एक फोल्ड करते स्टिक में डालती जा रही हूँ। इसी तरीके से आप अपने सारे स्लाइस को डालकर इस स्टिक में बनाकर तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसी तरीके से आप अपने बचे हुए सारे आलूओं के स्लाइसेस को स्टिक में लगाकर तैयार कर लें। अभी तक इन आलूओं के मैंने आपको 2 तरीके से डिज़ाइन बनाकर दिखा दिए हैं। अब मैं आपको इन्हीं आलूओं से एक तीसरा डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। आपको अपने आलूओं को एक लंबे टुकड़ों में कट करना है और कट करने के बाद स्टिक से सेव करना है और इसी तरीके से कट लगाकर तैयार करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कट लगाकर तैयार करेंगे तो आपके आलू का एक बहुत अमेजिंग सा डिज़ाइन बनाकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है। इसे देखने के बाद तो बच्चों की भूख ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और अगर उन्हें भूख ना भी हो तो भी इसे वो ज़रूर खा लेंगे। और इसी तरीके से आपको अपने सारे आलूओं पर कट लगाकर तैयार कर लेना है, जितने की आपको चाहिए होंगे। अब मैं आपको आलू का स्पाइरल कट करना बताऊंगी। इसके लिए आपको एक लंबे साइज के आलू की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक लंबे साइज का आलू लें और उसे छिलके धो के साफ कर लें। एक स्टिक ले लें और इस स्टिक से ही अपने आलू में होल करते हुए स्टिक को बाहर निकाल लें। जब हमारी स्टिक आलू के आर पार हो जाए तब हमें एक चाकू लेना है और चाकू को एक किनारे पर रखना है और अपने आलूओं को हाथों से घुमाते हुए चाकू को भी घुमाते रहना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपने हाथों से घुमाते जाना है और चाकू से कट करते जाना है। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप आलू को अपने हाथों में लें और जैसे नॉर्मल कट करते हैं उसी तरीके से अपने चाकू को घुमाते हुए इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप दोनों तरीकों में से यूज़ कर सकते हैं। जब आलू कट हो जाए तब आपको अपने हाथों से स्टिक पर ही फैलाते हुए अपने आलूओं को स्पाइरल लुक देना है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है।
अब मैंने यहाँ पर अपने तीनों डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे बेस्ट लगा। अब हम इन सारे आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हमारे कॉर्नफ्लोर हैं वो हमारे आलू के सारे ऊपर से कवर हो जाए और हमारे जो आलू के स्प्रिंग हैं वो काफ़ी कुरकुरी और करारी लगने लगेगी। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद ही हम इसे 2 से 4 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ेंगे। अब हम इन आलूओं पर डालने के लिए एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1 कप ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी ही इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ऑर्गिनो डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पाउडर के अंदर हम पानी डालते हुए इसका एक मीडियम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ना ही तो आपका पेस्ट ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि कितना बेस्ट कलर बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद आपको एक चम्मच लेना है और इस चम्मच की मदद से आपने जो आलू के स्लाइस की डिज़ाइन बनाकर रखे हैं उसके ऊपर इस पेस्ट को अच्छे से कवर कर देना है। चम्मच से इसलिए डालना है आपको कि जो हमारा पेस्ट है वो हमारे डिज़ाइन के अंदर भी आसानी से जा सके। आपको इस चम्मच की मदद से ही अपने आलू के सारे बनाए हुए डिज़ाइन पर इसी तरीके से पेस्ट डालकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस बैटर को अपने सारे बने हुए आलू के डिज़ाइन पर अच्छे तरीके से डालकर तैयार कर लिया है। अब हम अपने इन सारे आलू के डिज़ाइन को पेस्ट लगाने के बाद फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख ली है और उसमें रिफाइंड डालकर अच्छे से गर्म भी कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लें कि ये पूरी तरीके से गर्म हो चुका है या नहीं। अब हम एक एक करके अपने सारे आलू के स्टिक को इस ऑयल में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर तलकर तैयार कर लेंगे। आप अपने सारे आलू के डिज़ाइन को इसी तरीके से एक एक करके तेल में डालते जाएं और उसे फ्राई करके निकालते जाएं। आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद ये देखने में कितना अमेजिंग और टेस्टी लग रहा है। इसे देखने के बाद तो आपके बच्चे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। बस झटपट से तैयार हो चुकी है हमारी ये आलू की अमेजिंग सी रेसिपी, जो कि देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड, आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।